पहली बार तो तुम लोग ने ऐसे कह रहे हट वैशाली कहा लड़ने आए भाग आधा घंटा प्रैक्टिस करके। सर मैं ये मतलब पूछना चाह रहा था कि सर मैं 9th में इलाहाबाद आया था मतलब अकेले रहने के लिए, तो फिर सर मतलब ऐसे दोस्ती हुई हमारी, फिर घूमने टहलने में सर ये 9-10 दोनों चला गया सर, बिल्कुल एक मतलब परसेंट की मैं पढ़ाई नहीं की सर। फिर 2-3 दिन मतलब आखिरी जब पेपर था 10th का बोर्ड्स, तब 2-3 दिन पढ़ाई की मैंने, और उसके बाद फिर जो खींच ऊँच के मतलब आया मैं तो 78 सर नंबर तो सर 78 बना, बाकी अब मैं 11th पढ़ता हूँ सर, कुछ समझ ही नहीं आता सर, बिल्कुल नहीं समझ आता सर, अब शुरू से पढ़ रहा हूँ तब भी। बैठ, और भी है किसी की ऐसी दिक्कत है? 11th के इतने लोग हैं तो इनका सवाल अगर मैं थोड़ा सा और जनरल कर दूं तो जनरल इनका सवाल ये है कि पिछले 2 वर्ष में मैं अपने जीवन के लिए इतना गंभीर नहीं था, अपने करियर के लिए गंभीर नहीं था, और इस बात का मुझे कहीं ना कहीं अब अफसोस भी है और मुझे इस बात का पता भी है। सबसे बड़ी चीज़ होती है अपनी मिस्टेक पहचान लेना, कई लोग पहचान नहीं पाते, पूरा जीवन बीत जाता है। बड़ा बड़ा आदमी होता है और समय बोलता है मेरी क्या गलती है, मेरी तो कोई गलती थोड़ी थी, किस्मत की गलती थी। तो इंसान की ये बड़ी फितरत होती है कि डूबता है तो पानी को दोष देता है, गिरता है तो सड़क पर पड़े पत्थर को दोष देता है, और जब अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता तो अपनी किस्मत को दोष देता है। तो पहली बात तो आपकी ये अच्छी है कि आप ये बोल रहे हो कि आप गलती, आप में से बहुत लोग होंगे वैसे जिनको ऐसा लगता होगा कि पिछले 1-2 वर्ष मैं अपने जीवन के लिए इतना सीरियस नहीं था, अभी मेरी पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, मैं ट्रैक पर नहीं आ पा रहा हूँ, बहुत प्रयास कर रहे हैं, सारे जतन कर रहे हैं, टेस्ट में फिर भी नंबर या कम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उतनी अच्छी तैयारी नहीं चल रही है, चैप्टर ही नहीं समझ में आ रहा है, ये भी हो सकता है, पढ़ाई नहीं समझ में आ रहा, टीचर बढ़िया नहीं पढ़ा रहे क्या? नहीं नहीं बस बस वो तुम पे दोष नहीं डाल दो, कह रहा अब तो मैं गया तुम पे दोष नहीं डालूंगा, मैं पूछा था ऐसा तो नहीं शिक्षक ही अच्छा ना पढ़ा रहे हो तो फिर तो अलग बात होगी। यानी अब जो समस्या है वो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत, पर ये सबके साथ है तो सबकी व्यक्तिगत समस्या है। अब इसको एक कहानी समझते हैं, एक छोटी सी कहानी उठा लेते हैं, ठीक है? तो एक स्कूल था आप जैसा ही, और उस स्कूल में एक बहुत बड़ा बॉक्सिंग चैंपियन था, उसका नाम था आफ्ताब, सबको हरा देता था, 3 साल से बॉक्सर चैंपियन बना हुआ था स्कूल का, एक भूसा मारे सामने वाला ख़त्म, ठीक है? और बहुत लंबा चौड़ा नहीं था, ठीक ठाक हाइट थी, चौड़ा भी नहीं था, प्रैक्टिस खूब की थी 3 साल, ज़बरदस्त बॉक्सर बना हुआ था और हर बार बॉक्सिंग में जीतता था, और जब वो रिंग में उतरता था 2 पंच मारे सामने वाला गिर जाता था। ऐसे जब बॉक्सर्स को आप लोग देखते हो अपने स्कूल में, ऐसे जब आप प्रतिभाशाली लोगों को देखते हो तो भीड़ क्या करती है, ताली बजाते हैं, सब ताली बजाते थे। तो भीड़ में एक लड़की थी वैशाली, वो भी ताली बजा रही थी, पर उसके ताली बजाने का कारण अलग था, उसको बॉक्सिंग बड़ा प्रेम था। क्यों प्रेम था? क्योंकि उसके पिताजी जो थे वो राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियन थे, तो वो इज्जत करती थी कि अरे बॉक्सिंग है, बड़ी मेहनत से लड़का यहाँ तक आया है। वैशाली के पिताजी की तबीयत खराब हुई और वो मौत के काफ़ी करीब पहुँच गए, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, तो उनकी बिटिया उनके पास गई वैशाली, बोली कि पिताजी आपकी कौन सी ऐसी इच्छा है जो मैं पूरा कर दूँ, मैं पढ़ लिख के अफसर बन जाऊँ, क्या करूँ बताओ आप, मुझे आपके लिए कुछ करना है। उन्होंने कहा कि बेटा तू बॉक्सिंग चैंपियन बन जा। अब वैशाली ने कभी बॉक्सिंग नहीं लड़ी थी, उसका रुचि नहीं था, कितनी लड़कियों का रुचि यहाँ बॉक्सिंग में, बहुत कम लड़कियों का रहता है, उसका नहीं था रुचि। तो उसने कहा कि ठीक है पिताजी की बात है तो हम भी अब बॉक्सिंग लड़ेंगे। तो अगले दिन सुबह 7 बजे से स्कूल में बॉक्सिंग होनी थी, तो वैशाली जी 6:30 बजे पहुँच गई सुबह बॉक्सिंग लड़ने, कि हम आधा घंटा थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो आधा घंटा प्रैक्टिस की, तब तक पीछे से आफ्ताब आ गया रिंग में, तो बोली कि आफ्ताब चलो तुमसे लड़ेंगे, कहीं आधा घंटा प्रैक्टिस की है, आपको पता है क्या होने वाला है? पता है ना? क्या मैच होने के बाद पता चलेगा कि अभी से पता है? अभी से पता है, मतलब मैच होने से कोई इसका फर्क नहीं, यानी आपको प्रोसेस से ही समझ में आ गया कि यहाँ से सक्सेसफुल नहीं हो सकती हूँ। खैर वो रिंग में उतरी, आफ्ताब ने एक पंच मारा गिर गई, उनको पता चला कि आफ्ताब 1 घंटे पूर्व आके पहले से प्रैक्टिस कर रहा था, तो उन्हें लगा अच्छा 1 घंटा प्रैक्टिस करनी थी, यहाँ गलती थी। अगली सुबह वो 2 घंटे पहले आ गई, 2 घंटे उन्होंने प्रैक्टिस की, आफ्ताब ने 1 ही घंटे प्रैक्टिस की, ठीक है? उन्होंने आफ्ताब से कहा चलो हो जाए, 2-2 हाथ, क्या हुआ इस बार जीत जाएगी वो? क्यों अब तो 2 घंटा कर ली उसने, वो तो ज़्यादा काम कर रही है।
अच्छा वो पिछले 3 साल से कर रहा था एक एक घंटा। तो ऐसे ही वो 2-3 दिन हारती नहीं। 2-3 दिन हारने के बाद आफ्ताब ने कहा, गया है दफा हो भाई, हो गया, रोज रोज थोड़ी हम ऐसे हम पंचिंग बैग पे कर लेंगे, है ना। कॉलेज भी बोल रहा क्या लड़की में हाथ उठाते हो है, ठीक है अब क्या है, मेरे दोस्त भी चिढ़ाने लग गए मुझको, क्या मजा मिल रहा है उस लड़की को रोज हरा के, यार हटो। अब वैशाली को बड़ा बुरा लगा, यार ऐसे मेरे को दरकिनार कर दिया। वैशाली ने कहा ठीक है मैं तुमसे 1 साल बाद बॉक्सिंग लड़ूंगी। उसने बोला हाँ यार जाओ, तेरे जैसे रोज आते हैं। उसने 1 साल तक रोज 6 घंटा बॉक्सिंग प्रैक्टिस की, 1 साल तक रोज 6 घंटा बॉक्सिंग प्रैक्टिस करके वो वापस आई। अब जब वो रिंग में जा रही है आफ्ताब को चैलेंज करने, अब सिचुएशन को डिटेल में समझते हैं। आफ्ताब को प्रैक्टिस करते हुए हो गए हैं 4 साल, ठीक है, तो लगभग 1600 घंटे के आसपास उसने प्रैक्टिस कर रखी है, रोज 1 घंटा पकड़ लेते हैं। वैशाली ने प्रैक्टिस की है सिर्फ 1 साल पर हर दिन, तो लगभग पकड़ लो 2000 घंटे के आसपास। अब कौन जीतेगा, क्यों? अब डाउट तो हो गया ना तुम्हें, अब तुम्हें लग रहा है ना वैशाली जीत सकती है। पहली बार तो तुम लोग ने ऐसे कह रहे हट वैशाली कहा लड़ने आया भाग, आधा घंटा प्रैक्टिस करके हट, ऐसे थोड़ी होता है, आधा घंटा चंपक कहानी थोड़ी है भाग, कार्टून नहीं चल रहा। पर अब आपको डाउट हो रहा है कि वो जीत सकती है। उत्तर आपके सवाल का सवाल के अंदर था। आपको अब क्यों भरोसा होने लगा वैशाली जीत सकती है, क्योंकि आपको आपको लग रहा है कि उसकी जो मेहनत है वो आफ्ताब के बराबर हो गई, उसकी जो प्रैक्टिस है वो आफ्ताब के बराबर हो गई, उसकी जो स्ट्रैटेजीज है वो आफ्ताब के बराबर आ चुकी है, अब कॉम्पिटिशन हो सकता। अब जैसे आपने बताया, यदि आपके नंबर कम आ रहे हैं तो पहली बात तो नंबर कम आते हैं तभी पता चलता है जब किसी और के, मनुष्य ऐसे ही अजीब प्राणी है, जब तक अपने घर में एक मोटर बाइक को इंसान खुश रहता है, पर जब पड़ोसी के पास एक कार आ जाए, आए सीने में जलन। तो अगर आपके आसपास किसी के आपसे ज्यादा नंबर आ रहे हैं, आपके कम नंबर आ रहे हैं, आपको पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, आपको पढ़ाई समझ में नहीं आ रही, इसका कारण आपके अतीत में। बाकियों को क्यों समझ में आ रही है, क्योंकि उन्होंने अतीत में आपसे ज्यादा मेहनत कर रखी है। अब आप जाके अपना अतीत बदल, अब आप अपने अतीत में जाके कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, पर आप यहां से अपना भविष्य बदल सकते हो। भविष्य बदलने के लिए आपको अपने आज में बदलाव, अब देखो बदलाव की बातें करना जितना आसान होता है ना इस रूम में बैठ के, जमीन पर उतर के बदलाव लाना उतना ही मुश्किल है। कमरे में बैठ के ये मोटिवेशन ज्ञान देना बड़ा अच्छा लगता है हमको, और आपको भी सुनने में बड़ा मजा आता है। जब जमीन पे जाओ ना और पढ़ना शुरू करो, फिर जो आंख लाल होती है और फिर जो नींद आने लगती है और फिर जब मोबाइल की घंटी बजती है और टॉपिक समझ नहीं आता और दिमाग कहता है अरे छोड़ नहीं यार बड़ा मुश्किल है, इस पर कहाँ ध्यान देना, इससे अच्छा इंस्टाग्राम पे 2-3 लड़कियों को और फॉलो कर लेते हैं, तब तक हो सकता हो इस बार माता रानी कृपा से रिप्लाई आ ही जाए। आ गया इस बार रिप्लाई, लड़का निकला लास्ट में। अब अगर आपको पढ़ाई नहीं समझ में आ रही है और आपके आसपास के सब बच्चों को समझ में आ रही है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि उन्होंने आपसे ज्यादा घंटे की मेहनत पहले से जीवन में कर रखी, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे ज्यादा क्लियर हो सकते हैं, उनकी सिटिंग कैपेसिटी आपसे ज्यादा अच्छी है, बैठ के पढ़ने की कैपेसिटी, उनका कॉन्सेंट्रेशन आपसे ज्यादा अच्छा है, उनको पता है डिस्ट्रैक्शन को कैसे हटाना है, मोबाइल को हटा के पढ़ना है रखे, अभी तो आप सीख रहे हो कैसे पढ़ना है। मेमोरी ट्रिक्स होती हैं चीज़ों को याद करने की, हर इंसान अपनी अपनी ट्रिक बना लेता है कि इसको इस गाने से याद कर लेंगे, प्रायोरिटी टेबल तो सबने कर रखा है, मेमोनी ट्रिक्स, मेमोरी ट्रिक, स्ट्रैटेजी, रिविजन का तरीका सबने अपना अपना हर कोई बनाता है। अब आप अपना अतीत नहीं सुधार सकते, आप अपना भविष्य सुधार सकते हैं, भविष्य को सुधारने के लिए आपको अपने आज से अभी से मेहनत करना शुरू करना होगा, और आपको अपने मन में ये एक्सेप्ट करना होगा कि डे वन पे जाके आप आफ्ताब को अब रिंग में नहीं हरा सकते, आपको समय लगेगा, आप हारोगे, पर आप यहाँ से अब कंसिस्टेंट रहो वरना 2 साल बाद ये दिक्कत और बड़ी बन जाएगी, आप और पीछे छूट जाओगे। कॉम्पिटिशन छोड़ो, आप अपने व्यक्तिगत रूप में भी बहुत पीछे जाते जाओगे जीवन में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप किस चीज़ की तैयारी करो बेटा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर ही बन जाओ, पर अभी आप जीवन में एक लक्ष्य लेके बैठे हो कम से कम डॉक्टर बनने का, कुछ और कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है,
कुछ और प्रोडक्टिव कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कुछ और ऐसा कर रहे हो जिससे आपके माँ बाप का नाम रोशन होगा, जिससे आपको जीवन में समृद्धि मिलेगी, सुख मिलेगा, पैसे मिलेंगे, तो अच्छी बात है। यहाँ से हम ये शुरू करेंगे, यहाँ से आगे की जिंदगी को सुधारेंगे। अभी भी समय बाकी है, देखो तुम कर्म करोगे तो तुमको आज नहीं तो जितना गहरा खोदोगे कुआं उतना मीठा, तुम्हें पता है सब, तो कुआं खोदना नहीं चाहते हो, तुम कह रहे हो बगल वाले की बाल्टी से पानी नहीं है, और तुम अपनी प्रॉब्लम लेके संसार में घूम रहे हो, कुआं इधर है नहीं, खोदना नहीं है। सर पानी कहाँ मिलेगा सर, पानी नहीं मिल रहा सर, वो कुआं है खोदना नहीं, बिना खोदे सर पानी कैसे मिलेगा। मिल गया जवाब, यहां से शुरू करेंगे। अब आपको लग रहा होगा मैं लेट हूं, यही लग रहा है ना, मैं लेट हूं, किससे कंपेयर करो, इन लोग से। कल मैं झुग्गी झोपड़ियों में गया था, उनसे आप बहुत आगे। जब भी लगे मैं जीवन में सबसे पीछे हूं तो नीचे की तरफ देखना, आपको समाज में दिख जाएंगे ऐसे लोग। हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आप जैसी बेसिक फैसिलिटी नहीं मिली है, जो आप जितनी पढ़ी लिखी हालत में भी नहीं आ रहे। आप बहुत पढ़े लिखे हो बेटा, आप जीवन में बहुत अच्छा कर लोगे, आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी बीवी मिल जाएगी, अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, सुंदर सुंदर बच्चे भी हो जाएंगे। कई लोग अभी अपनी जरूरतों की लड़ाई लड़ रहे हैं, रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, कपड़े की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जब भी मन ऐसा उदास हो तो उनको देख लो, और फिर सोचो मैं उनसे तो बहुत आगे हूँ। हाँ, इस क्लास के बाकी बच्चों का कंपैरिजन हो सकता है 2 साल मैंने पीछे चला गया हूँ, पर मैं अब वैशाली वाली स्ट्रैटेजी अपनाऊंगा कि पूरी क्लास 3 घंटे पढ़ रही है तो मैं रोज कवर हो जाएगा 2 साल में, गणित लगेगी, गेम बदल जाएगा।